हेलो स्टूडेंट, मैं तो राजपूत और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट, आज की क्लास में एक इम्पॉर्टेंट इंटीग्रेशन सॉल्व करेंगे। तो स्टूडेंट, क्वेश्चन है हमारे पास इंटीग्रेशन अंडर रूट में एक्स अपॉन में 4 - x³ dx। तो ध्यान से रखना चाहिए स्टूडेंट, इसको कैसे सॉल्व करते हैं। तो स्टूडेंट देखो, जो क्वेश्चन लिखा है इस क्वेश्चन को मैं ऐसे लिख सकते, देखो इंटीग्रेशन अलग अलग रूट लगा देते, ठीक है। रूट एक्स अपॉन में नीचे लिखेंगे तो अंडर रूट में, इसको ऐसे लिख सकते हैं 4 - x³ dx। अब स्टूडेंट देखो, इस क्वेश्चन को हम लोग देखो फॉर्मूले में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। कैसे कन्वर्ट करेंगे देखो, ध्यान से रखना, ठीक है। ऐसे लिख सकते हैं इंटीग्रेशन रूट एक्स डीएक्स, ठीक है, अपॉन में, ठीक है। देखो नीचे वाले पार्ट को मैं ऐसे लिख सकते हैं, देखो ठीक है, यहाँ पे 4 को लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर माइनस, और इसको लिख सकते देखो एक्स की पावर 3/2 का होल स्क्वायर। स्टूडेंट देखो, ये इसको हमने स्क्वायर में इसलिए कन्वर्ट किया कि हमने जो फॉर्मूले पढ़े थे वो सारे स्क्वायर में पढ़े थे। अब ध्यान से रखना, ठीक है। हम यहाँ पे क्या करेंगे, मान लेते, ठीक है, इसको देखो माना यहाँ पे एक्स की पावर 3/2, ठीक है, एक्स की पावर 3/2 बराबर टी मान लेते, बराबर टी मान लो, ठीक है। और इसको कर देते हैं हम लोग डिफरेंशिएशन, ठीक है, डिफरेंशिएशन, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू एक्स। इसका हम करेंगे डिफरेंशिएशन, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो डिफरेंशिएशन कर लो कितना आएगा, तो वो 3/2 पहले कर देना, ठीक है, 3/2 पहले कर देंगे, और एक्स की पावर 3/2 - 1, ठीक है, और डी एक्स इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास डी टी आ जाएगा। अब देखो क्वेश्चन को देखो चेंज कर लेते, ठीक है, तो एक्स की पावर देखो यहाँ पे बचेंगे 1/2 dx, ये आ जाएगा हमारे पास 2/3 और dt आ जाएगा। इसको देखो ऐसे लिख सकते, ठीक है, एक्स की पावर 1/2 है तो इसको रूट एक्स डी एक्स लिख सकते हैं, और इधर लिख देंगे 2/3 dt आ जाएगा। अब देखो क्वेश्चन को देखो चेंज कर लो, ठीक है, इस क्वेश्चन को हम लोग चेंज कर देते हैं, देखो ये आएगा हमारे पास ऊपर, देखो ये तो चला जाएगा 2/3, ठीक है, 2/3 dt में चला जाएगा। तो इसको ऐसे लिखते हैं देखो 1/, ठीक है, पहले यहाँ पे वैल्यू रख देते हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं देखो 2 का स्क्वायर माइनस, ठीक है, यहाँ पे लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर - t² लिख सकते, ठीक है, इंटू अब हम रूट एक्स डी एक्स की वैल्यू रख देते हैं, कितनी है देखो 2/3, और ये हमारे पास डी टी। अब देखो 2/3 तो कॉन्स्टेंट है, बाहर निकाल लो, 2/3 तो बाहर निकालेंगे, ऊपर हो जाएगा डी टी और नीचे हो जाएगा अंडर रूट में 2 का स्क्वायर - t² का स्क्वायर, ठीक है। अब देखो यहाँ पे एक फॉर्मूला यूज करेंगे, देखो ध्यान से रखना, ठीक है, एक फॉर्मूला है हमारे पास इंटीग्रेशन डी एक्स अपॉन अंडर रूट में a² - x², ठीक है। ये फॉर्मूला होता है देखो किसका, साइन इनवर्स xy a + c, याद कर लो स्टूडेंट, ये फॉर्मूला होता है। इस फॉर्मूले को हम लोग यूज करेंगे, देखो यहाँ पे यूज करो देखो इस फॉर्मूले को, ये आ जाएगा हमारे पास 2/3, ये जाएगा साइन इनवर्स, ठीक है, ये आ जाएगा हमारे पास टी अपॉन, ए का मान देखो कितना है, ए का मान यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे 2 लिख देंगे प्लस, ठीक है, हम टी की वैल्यू रख देते देखो, ठीक है, 2/3 और ये जाएगा साइन इनवर्स, टी की वैल्यू रख दो एक्स की पावर 3/2 और अपॉन में 2 + c, ठीक है। स्टूडेंट देखो ये फाइनल आंसर आ गया, स्टूडेंट देख लो, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से करना, ठीक है। और ये स्टूडेंट देखो इसमें फॉर्मूला यूज होगा, ठीक है, तो इस फॉर्मूले को ब्रैकेट में ऐसे बंद कर लो, ठीक है, ये इस फॉर्मूले का हमें यूज करना था, ठीक है, इसीलिए हमने देखो यहाँ पे इसको स्क्वायर में कन्वर्ट किया था, देखो ठीक है, ये जो लिखा था इसीलिए हमने इसको स्क्वायर में यहाँ पे कन्वर्ट किया था।